तो कब हुआ? जहां जहां आप सेल्फ डिपेंड होने की कोशिश करते हो वहां पर सभी लोग आपसे दूर हो जाते हैं, और जहां आप अगर अपनी जिम्मेदारी दूसरे पर सौंप देते हो, ईश्वर पे सौंप दो, भगवान पे सौंप दो, गुरु पर सौंप दो। ये मुनि राजों ने अपनी जिम्मेदारी गुरु पर सौंप दी, प्रभु पर सौंप दी, और प्रभु के द्वारा बताया हुआ मार्ग जो है, जो जिनवाणी में लिखा हुआ है, उस पर चलना प्रारंभ कर दिया। और उस पर जब चलना प्रारंभ कर दिया तो ना दुकान है, ना मकान है, ना फैक्ट्री है, ना गाड़ी है, फिर भी सबसे आगे जीवन की गाड़ी है, सबसे आगे। कि जिनके चरणों में प्रधानमंत्री आ जाए, मुख्यमंत्री आ जाए, गृह मंत्री आ जाए, रक्षा मंत्री आ जाए, चाहे कोई भी मंत्री आ जाए, हाथ जोड़ के नमन ही करता है। क्यों करता है नमन? अरे भैया इनके आगे झुक जाओ, क्योंकि ये फकीर हैं। सबसे बड़ा दुनिया में फकीर होता है ना, समाज के रूप देखो। पति को पत्नी ने चौका लगाया, छोटे छोटे बच्चे कह रहे नाश्ता। अच्छा बेटा अभी अपन 10 बजे खाएंगे, आज अपने घर में जय जय आ रहे, जय जय महाराज जी आ रहे हैं, फिर उनको खिलाएंगे, फिर तुम्हें देंगे। बच्चों को मना लिया, पति मुंह दिख रहा है, सब सामान बन रहा है सामने ही, पर पति को नहीं दे रही। क्यों? पहले महाराज जी को देंगे, चौका लग रहा है, आप भी कपड़े पहन लो, प्रणाम करो, है ना, प्रणाम करके लाओ महाराज को, है प्रणाम करके ला रहा है, आहार दे रहा है, तब नसीब होता है भोजन। किसके लिए? जो कमा रहा है उसके पीछे कर दिया, और जो नहीं कमाता है उसको पहले बुला लिया घर में। हे, और वो भी बड़े अच्छे से, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, बताओ किसके कारण? सौंप दिया ये जीवन का भार गुरु के चरणों में, प्रभु के चरणों में। जब सौंप दिया है हम क्यों टेंशन लें? वो टेंशन उनकी है, भगवान की, गुरु की है। अब अपने आप व्यवस्था बनाएंगे तो अपने आप चौका वाला नाम आ जाएगा, भैया हमारा चौका है, हमारा चौका है, हमारा चौका है। नहीं है, नहीं तो कोई भूखा कोई साधु रहता नहीं कभी। कैसी व्यवस्था बने? व्यवस्था बन जाती है, चौका लग जाते हैं, साधु आहार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनने अपनी बुद्धि लगाई लगाई अपनी ना, इसलिए इनकी व्यवस्था हो रही है। कमरे की व्यवस्था हो गई, लोग कमरा है इसमें रुकिए आप, कमरे की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, टेबल की व्यवस्था, तखत की व्यवस्था, चटाई की व्यवस्था, सारी व्यवस्था कौन दे रही, कौन दे रहा है? सब अपने आप आ रही की नहीं आ रही? क्यों? सौंप दिया ये जीवन का ये भार तुम्हारे चरणों। क्यों? क्योंकि अपने ध्यान रखना चार चीजों का ध्यान रखना। वो कौन सी है चार चीजें? पहला पॉइंट पुण्यानुबंधी पुण्य। कौन सी वो चीज? पुण्यानुबंधी पुण्य और पुण्यानुबंधी पाप, पापानुबंधी पुण्य और पापानुबंधी पाप, चार चीजें। पुण्यानुबंधी पुण्य यानी पुण्य के उदय से मनुष्य पर्याय मिली, पुण्य के उदय से ऐसा शहर मिला जहां साधु संतों का चतुर्मास होता रहता है,